beautiful. It's electric when you kiss me. Never felt this way before. We're magnetic, wanna stay here, closer than close. Up in the clouds, I can see the whole world now. Breathtaking world, can't believe my eyes. Up in the sky. So we left Noida somewhere around 6 in the morning and we are on our way to Mukteshwar. हम लोग छोटा सा ब्रेक लिए हैं यहाँ पे. इट्स बीन अ फ्यू आवर्स एंड चाय तो डेफिनेटली बनती है ऑन अ रोड ट्रिप. थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान्स है. सो इंस्टेड ऑफ चाय हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जूस और नारियल पानी पी लेंगे. गर्मी भी हो रही है और कुछ खाया भी नहीं अभी तक. सो इट्स जस्ट बेटर टू स्टिक विद जूस. मुक्तेश्वर पहुंच गए हैं. इट इज़ अ स्मॉल विलेज इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. ये 330 किलोमीटर्स है दिल्ली से. करीबन 8 घंटे लग गए हमको. वी ड्रोव फ्रॉम नोएडा टू मुक्तेश्वर. पहले का पार्ट तो बहुत ही इजी था. ट्रैफिक नहीं था, रोड्स भी अच्छे थे. बट द लास्ट बिट इज़ अ लिटिल ट्रिकी जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा आपको पहुँचने में. सो ऑन एन एवरेज 7 to 8 hours आप मान के चलो. दिस इज़ हाउ मच टाइम यू विल टेक टू ड्राइव फ्रॉम दिल्ली टू मुक्तेश्वर. यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है. बहुत ठंडी हवाएं भी चल रही हैं. भले ही 30 डिग्रीज़ है लेकिन इट डज नॉट फील लाइक 30 डिग्रीज़. इट्स ब्यूटिफुल ऑल्सो एज यू कैन सी. यू कैन ऑल्सो सी स्नो पीक्स देयर ऑन अ क्लियर डे. सो होपफुली हमको वो नेक्स्ट 3 days में कभी तो देखने मिल ही जाएगा. हम लोग रह रहे हैं स्नो व्यू लग्जरी होम्स में एंड आई विल टेक यू ऑन अ टूर टू द रूम्स. दिस प्लेस कॉल्ड स्नो व्यू लग्जरी होम्स. हम लोगों को ये booking.com पे मिला था बट वी डायरेक्टली कॉल्ड द ओनर बिकॉज वी वरंट श्योर इफ द फैमिली ऑफ स्वीट वुड अकोमोडेट 7 adults and 1 kid. तो हम लोगों ने डायरेक्टली कॉल कर लिया था ओनर से एंड वी बुक दिस एट 25,000 फॉर द कॉटेज दैट यू सॉ. हाउएवर देर आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वॉन्ट यू टू नो एंड द रीजन्स वाई आई डोंट रेकमेंड दिस प्लेस. फर्स्ट ऑफ दे फॉरगॉट टू टेल अस दैट देयर इज़ अ हाइक. सो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये आपको पूरा चढ़ के जाना पड़ेगा एंड देयर प्लेस इज़ नॉट इवन इन द शॉट ऑफ दिस. तो वो जो आप लास्ट बिल्डिंग देख रहे हो उसके होम्स उसके पीछे है स्नो व्यू लग्जरी होम्स. सो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ हाइक. हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं था बट बिकॉज वी हैड ओल्डर पेरेंट्स विद अस एंड बच्चे भी थे तो इट बिकेम अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट. क्योंकि हर टाइम अगर आपको कहीं ट्रैक करने जाना है या जनरली सिर्फ वॉक करना है इन द नेचर यू वुड हैव टू कम डाउन दिस एंटायर स्ट्रेच. या तो आप नीचे आओगे या फिर तो वहाँ से और सीढ़ियाँ ऊपर है वेर देर इज़ अ टेम्पल. बट ईदर विच वेज देर इज़ नथिंग लाइक राइट आउटसाइड योर प्लेस टू जस्ट वॉक अराउंड एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ मुक्तेश्वर. The second reason is that they're generally not very cooperative and helpful.
तो वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, बिकॉज इफ़ यू वुड आस्क समथिंग दे वुड फर्स्ट डिनाई, देयर एटीट्यूड वॉज अ लिटिल बिट अनोइंग, मुझे अच्छा नहीं लगा द वे दे वुड टॉक टू मी इफ़ आई वुड रिक्वेस्ट समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक्स्ट्रा कूलर मांगा, एक्स्ट्रा फ़ैन मांगा था, दे हैड अ टेबल फ़ैन फॉर डाउन स्टेयर्स, लेकिन अपस्टेयर्स के लिए कोई फ़ैन नहीं था और थोड़ा ह्यूमिड हो रहा था, तो आई आस्क्ड फॉर अ फ़ैन एंड दे वर लाइक हम लोग प्रोवाइड नहीं करते. एंड देन इवेंचुअली आफ्टर अ डिस्कशन कॉलिंग द ओनर एंड ऑल ऑफ दैट हैसल, फाइनली दे गॉट अस अ टेबल फ़ैन, बट स्टिल the way they reply or the way they help, it is not very cooperative or helpful. ये थोड़ा सा annoying है and it can spoil your vacation as well, because हर time आपको इससे deal करना पड़ेगा. The third thing is food. While you can easily order from their restaurant, the food is not that good. We ordered paneer one day, we ordered egg curry one day, it seemed like the same gravy. बहुत amazing नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था. And if you have to eat somewhere else, आपको नीचे फिर से उतरना पड़ेगा, and then you can have, there were two restaurants. So one cafe I don't remember, but that was the nicer cafe where we had breakfast a couple of times. वहाँ का पूरी सब्जी, पराठा, everything was very nice. वो लोग भी बहुत अच्छे थे. But उसी के बगल में there was another restaurant called जैश्नवी Homestay. मुझे उसका नाम इसीलिए याद है because one time we ordered dinner at 7:45 PM या 8 बज रहे होंगे, 8 बजे से पहले ही था, एंड दे डिलीवर्ड द ऑर्डर एट 11:30 एट नाइट, और उन लोगों ने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मैसेजेस बंद कर दिए, द किड्स विद अस स्लेप्ट ऑफ, माय मदर इन लॉ स्लेप्ट ऑफ, इट गॉट वेरी अनोइंग बिकॉज सब लोग भूखे ही सो गए थे एंड देर वॉज नो अदर वे टू गेट फूड एट दैट लेट इन द नाइट. तो आई डोंट रिकमेंड जैश्नवी होमस्टे एज वेल. फूड फिर भी ठीक था, बट अगर आप वहाँ जाके खा रहे हो तो ठीक है, बट आई डोंट रिकमेंड यू ऑर्डर. और मुझे ये भी थोड़ा सा फील आया दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ सेटिंग बिटवीन द स्नो व्यू लक्ज़री होम्स हेल्पर एंड दैट गाय. आई डोंट नो व्हाट, आई एम नॉट श्योर, इट्स जस्ट माय फीलिंग, बट आई डिडंट गेट अ गुड फीलिंग अबाउट इट. ये सब तो चलता ही रहता है, बट द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग आई वोक अप एट 5 o'clock टू विटनेस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सनराइज दैट आई हैव सीन. So we have reached Mukteshwar Dham Temple. यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है और पार्किंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है. So you can see रोड्स पे पार्क हुआ है और जाम भी बहुत ज़्यादा है. So अगर आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं then you have to park at least 650 meters before. So Mukteshwar Dham Temple is one of the tourist spots in Mukteshwar. It is a 350-year-old Shiva temple which is very famous. यहीं से ही वॉकिंग डिस्टेंस में दो और स्पॉट्स हैं, वन इज़ अ जीरो पॉइंट एंड वन इज़ चौल की जाली, जहाँ पे एक बार हम दर्शन कर लेंगे तो जाएंगे एंड आई विल टेक यू देयर. व्यूज़ बहुत ही प्रीटी है, यू कैन सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है एंड यूजुअली नहीं पता मुझे होता है कि नहीं होता है, बट आज तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है. सो अगर आप कार से आ रहे हो तो ये तो डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा. यू विल हैव टू वॉक अराउंड 650 मीटर्स टू रीच द धाम. हम लोग अभी चढ़ के जा ही रहे हैं. यहाँ पे आपको बाइक और स्कूटी भी मिलते हैं, जहाँ पे आप पीछे बैठ के जा सकते हैं. दे विल ड्रॉप यू टू द स्टार्ट ऑफ द मंदिर. सो इफ़ यू हैव ओल्डर पेरेंट्स एंड यंगर किड्स, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं. दे टेक ओनली 50 बक्स टू ड्रॉप यू. मंदिर के बाद यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जिसका नाम है चौली की जाली, तो हम लोग बस वहीं जा रहे हैं. तो मंदिर यहाँ पे है और यहाँ पे एक ट्रैक है विच इज़ अबाउट 200 मीटर्स टू 300 मीटर्स. तो आप जब वहाँ से नीचे उतरोगे तो आप मंदिर के गेट पे ही निकलोगे, तो इट इज़ ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव रूट टू कम टू द मंदिर और टू एग्जिट फ्रॉम हियर.
तो हम लोग चढ़ के आए थे सीढ़ियाँ, दैट वॉज़ वेरी स्टीप, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है फॉर ओल्डर पीपल या अगर आप फिट नहीं है तो. एंड देन यू कैन गो डाउन फ्रॉम हियर, दैट्स एन इजियर वे. दिस इज सो ब्यूटिफुल. It's funny how my heart is wired. It doesn't make any sense to me. But who am I to question my feelings? I'm leaving you for someone else. But it's not who you might think it is. It's someone who you're already loving. So this is Trolley Ki Jali and it has a 180 degree viewpoint of Mukteshwar. It's really, really beautiful. Thoda scary hai upar chadna, but it's worth the effort. और यहाँ पे काफ़ी धूप है, pretty hot this time of the year. थोड़ा सा lemonade to beat the heat. पहाड़ी क्या है ये? पहाड़ी दाल है, राजमा है और ये कुछ चटनी टाइप्स भी है इसमें, इसका नाम मुझे नहीं पता, अभी पूछते हैं. हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रेडिशनल क्यूजीन ट्राई किया था यहाँ पे, विच इज़ पहाड़ी दाल और चावल एंड कढ़ी एंड चावल, जो बहुत ही यमी था. उसके साथ हमको एक स्पेशल भांग की चटनी मिली थी, ये वही भांग है जो आपको उत्तर प्रदेश में होली में खाया जाता है. बट डिफरेंस बस यही है कि ये दाने की बनती है, विच डज नॉट हैव एनीथिंग विच हैज़ टू डू विद इंटॉक्सिकेशन, तो इसको खा के कोई नशे नहीं होते हैं. एंड इट वॉज यमी एज वेल, सो इट्स अ डेफिनेट ट्राई. एंड वी वॉन्टेड टू वॉच अ सनसेट. वैसे तो कोई सनसेट पॉइंट नहीं था हमारे होटल के अगल बगल, बट वी फाउंड अ लोकल फैमिली जिनके छत से बहुत प्यारा सा सनसेट दिखता है, एंड वी हैव कम हियर शो यू द सनसेट टुडे. बालूगढ़ वाटरफॉल, ये यहाँ का बहुत ही फेमस वाटरफॉल है. देर वॉज सम प्रॉब्लम विद द ऑडियो ऑफ दिस क्लिप, बट बालूगढ़ यहाँ का बहुत ही फेमस वाटरफॉल है और बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन और बहुत ही सुंदर वाटरफॉल भी है. बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस साल ना तो यहाँ पे रेनफॉल हुई एंड ना तो यहाँ पे स्नोफॉल हुई, द बालूगढ़ वाटरफॉल वॉज कम्प्लीटली ड्राइड अप एंड देर वॉज ओनली अ पॉन्ड देर विच हैड डर्टी वाटर. क्योंकि हम लोग यहाँ पे आ ही गए थे एंड द हाइक लुक्ड रियली प्रिटी, वी डिसाइडेड दैट वील रीच द वाटरफॉल एंड कम बैक. हम लोग बालूगढ़ वाटरफॉल पे आए हुए हैं, तो वाटरफॉल में नीचे ही यहाँ कैंपिंग की भी व्यवस्था है. तो भैया है जो कैंपिंग करवाते हैं, एक बार उनसे बात बताओ सर. हमारी कैंप साइट है जिसमें 1500 पर हेड चार्ज है, जिसमें डिनर, बॉनफायर, म्यूजिक, वाईफाई एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड. दैट्स इट. नाइस. तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए वो सब है. ओके नाइस. मौसम बहुत बढ़िया है, सारे पेड़ों के बीच में है ये कैंप, तो सॉर्ट ऑफ गर्मी तो लगनी ही नहीं है भले कितनी भी गर्मी हो बाहर. एंड भैया बता रहे थे कि रात में लोग ब्लैंकेट्स मांग रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतना कोल्ड हो जाता है. सो अभी चलो आगे देखते हैं. अकॉर्डिंग टू एवरीवन वहाँ पे कोई वाटरफॉल है नहीं फिलहाल, इट्स जस्ट अ स्मॉल पॉन्ड विद स्टिल वाटर which is also dirty. थोड़ा difficult trek हो सकता है for the people who are old.
हम लोग पहुँचने वाले हैं शायद से, लेट्स सी, बट इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक. After the waterfall, we found this cute little place near our hotel, which was called Hilly Billy Cafe. यहाँ के burgers बहुत ही ज़्यादा amazing है. इतने amazing है that nobody waited for me to take a video of the same. But this is the place, and I definitely recommend you try it out once. और उस दिन वापस आने के बाद मैं और दीपिका दोनों निकल पड़े एक ऐसे सफर पे जहाँ का डेस्टिनेशन तो हमें नहीं पता था, बट ये जरूर पता था कि मज़ा बहुत आएगा. पहाड़ों के बीच में ऐश और आराम की चीज़ें तो नहीं मिलती है, मगर चैन जरूर मिलता है. और यही खोजने हम पहुँच गए थे एक बहुत ही प्यारा सा सफर.